हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ईवीएस, आपकी जो क्लास है फोर्थ क्लास, उसकी जो ईवीएस बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बिकॉज हमने चैप्टर नंबर 3 तक पहले ही फिनिश कर लिया है, कंप्लीट हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 3। तो चलिए 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा है आवर क्लोथ्स, यानी कि ये चैप्टर हमारा वस्त्र पे बेस्ड है पूरा। कपड़ा जो हम पहनते हैं, कपड़े के बारे में है ये पूरा, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, नीड्स पढ़ेंगे क्लोथ्स की, क्लोथ और उसका प्रोफेशन पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ क्लोथ्स पढ़ेंगे और केयर ऑफ क्लोथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड्स। वी हैव रीड अबाउट फूड एंड शेल्टर इन प्रीवियस क्लास। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट आवर क्लोथ्स। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें हमारी बेसिक नीड होती है। जैसा कि हमने पहले मतलब रोटी और ये मकान, यानी कि जो भोजन और जो आपका आश्रय है, ये पहले क्लास में पढ़ाई कर ली है हमने। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इस बार हम क्लोथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। लॉन्ग अगो पीपल लिव इन जंगल्स एंड डिड नॉट वेयर क्लोथ्स। दे कवर्ड देयर बॉडीज विद लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। तो पहले के टाइम के जो लोग थे, बहुत समय पहले के, जो कि हमारे आदि मानव जो जाति थी, वो कहाँ रहा करती थी, वो जंगलों में रहा करती थी। और जंगलों में रहने के साथ साथ वो क्या करते थे, वो वस्त्र नहीं पहनते थे उस टाइम, क्योंकि वो कपड़ों का कोई चलन ही नहीं था ना। कोई ये जानता था कि रेयॉन कौन सा कपड़ा है, कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, तो पता ही नहीं था किसी को, क्योंकि वो उनके बिल्कुल स्टार्टिंग एज थी मनुष्य की, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो खुद को पत्तियों से ढका करते थे, जो पेड़ों की जो पत्तियां होती थी उससे ढकते थे, पेड़ों की छाल से ढकते थे और जानवरों की स्किन से ढका करते थे, ठीक है। तो लेटर दे लर्न टू वीव क्लोथ्स यूजिंग थ्रेड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क। दे ऑल्सो यूज वुल फ्रॉम शीप टू मेक वार्म क्लोथ्स फॉर विंटर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उन्हें धागों से कपड़े बनाने की समझ आने लगी, और वैसे वैसे उन्होंने अपना क्या किया, वस्त्रों का निर्माण किया था, ठीक है। जैसे कि कॉटन और सिल्क, ये वे जान चुके थे कि कॉटन यानी कि आपका जो कॉटन गर्मियों में पहना करते हैं वो, और जो रेशम होता है वो, तो ये चीज है, सूती और रेशम दोनों चीजें उनको ज्ञान है इस चीज का, ठीक है। दे ऑल्सो यूज वुल, अब जो शीप के द्वारा जो हमें वुल मिला करती है, उन्हें ये भी वो भी यूज करा करते थे, ठीक है। वो क्यों यूज करते थे, इसे सर्दियों से बचने के लिए। तो अभी जैसे आपके यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, तो इसमें आपको क्या करना है कि कौन सा वस्त्र कौन से सीजन में आप पहन सकते हैं, तो आपको वो यहाँ लिखना है। तो ये चीज बहुत ईजी है, ये आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। डू इट योर सेल्फ। वाई डू वी नीड क्लोथ्स, क्लोथ्स की हमें जरूरत क्यों होती है। वी चूज different kinds of clothes to suit our needs. Clothes protect us from cold, heat, rain, dust and insects. Good clothes make us look smart. Shoes and socks protect our feet from germs, dust, cold, heat and cuts. Our clothes protect us from insect bites too. तो जो क्लोथ्स होते हैं, ये हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये हम चूज करते हैं अलग अलग नीड्स के हिसाब से। जैसे जैसे हमारी जरूरतें होती है, वैसे वैसे क्लोथ्स का हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारे क्लोथ्स सर्दियों से बचाते हैं, गर्मियों से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, मिट्टी से बचाते हैं और कीड़े मकौड़ों से बचाते हैं। अच्छे क्लोथ्स हमें स्मार्ट बना देते हैं, है ना। और जो शूज और सॉक्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, हमें जो फीट जो हमारे धर वो है ना, क्या बोलते हैं, तलवा जो होता है पैर का नीचे का, तो उसको किससे बचाते हैं, हमारे मिट्टी से, मतलब गंदगी से बचाते हैं, जर्म से बचाते हैं, मिट्टी से बचाते हैं, सर्दी से, गर्मी से और कट से बचाते हैं। और हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, वो हमें कीड़े मकोड़ों के काटने से भी बचाते हैं। जैसे मच्छर काटता है ना, तो मच्छर काटना कौन रोकता है, ये हमारे क्लोथ्स ही तो रोकते हैं पहले, है ना। चलिए अब इसके बाद में है हमारा, वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम कोल्ड। इन समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स विच एब्जॉर्ब स्वेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। वी वेयर रेनकोट्स वेन वी गो आउट इन द रेन, दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल। हम सर्दियों में क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, किससे बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। अब हम गर्मी में क्या पहनते हैं, गर्मी में लाइट कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्यों, ताकि हम गर्मी से बच सकें, ठीक है। और वो जो पसीना होता है वो सारा सोख सके, ठीक है। अब उसके अलावा होता है रेनकोट्स, अब रेनकोट्स कब पहनते हैं, अब रेनी सीजन अभी चल रहा है, तो आप रेनकोट यूज करते होंगे अभी, है ना, घर पे। तो वो कैसे बने होते हैं, वाटर प्रूफ मटीरियल से बने हुए होते हैं। अब सोर्सेज ऑफ क्लोथ्स क्या क्या होते हैं, देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स।
क्लोथ्स काई से बने होते हैं, फाइबर से, रेशों से बनकर के मिलकर के बनते हैं। फाइबर्स आर टाइनी पीसेज ऑफ थ्रेड्स। फाइबर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेज होते हैं किसके, धागे के, थ्रेड्स के। मेनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक यार्न्स, दीज यार्न मेक फाइबर्स। फाइबर इज स्पन इनटू लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड, दीज थ्रेड्स आर वोवन इनटू क्लोथ्स। क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फाइबर मैंने आपको बताया, तो फाइबर्स जो होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है, यानी कि मोड़ा जाता है। ठीक है, मोड़ने के बाद में क्या बना देते हैं, यार्न बना देते हैं। उन्हीं यार्न से मिलकर के हमारे फाइबर बनते हैं, और फाइबर जो होते हैं उन्हें सूता जाता है। ठीक है, लंबे लंबे धागों के अंदर और ताकतवर धागों, मतलब सख्त धागों में उन्हें सूता जाता है, स्पन किया जाता है। तो फिर वो क्या होते हैं, वो जो धागे होते हैं उनसे हम हमारे क्लोथ्स बनाते हैं। तो क्लोथ्स कैसे बने होते हैं, दो तरीके से बनते हैं, नेचुरल या फिर सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं। अब नेचुरल फाइबर जैसे आप देख सकते हैं, कॉटन ड्रेस, हेम ड्रेस, वुलन क्लोथ, सिल्क क्लोथ्स। नेचुरल फाइबर्स जो है आपके, द नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि नाम से ही विदित है, इसमें नेचुरल फाइबर से मिलकर के बनने वाले, मतलब जो नेचर द्वारा फाइबर दिए हुए होते हैं, प्राप्त होते हैं, उससे मिलकर के बनने वाले फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ये कहां से प्राप्त होते हैं, या तो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प आर प्लांट फाइबर्स। ऑन द अदर हैंड, वुल, सिल्क एंड फर आर एनिमल फाइबर। ये तो है एनिमल फाइबर, और इसके ऊपर वाले जो थे ये सारे प्लांट फाइबर होते हैं, यानी कि एनिमल द्वारा प्राप्त होते हैं और वो प्लांट द्वारा प्राप्त होते हैं। और इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पे दे दिए सारे। ठीक है, नेचुरल क्लोथ्स आर हेल्दियर टू वेयर, नेचुरल क्लोथ्स आर हेल्दियर टू वेयर एज इट हैज टाइनी स्पेसेस विच लेट एयर पास इन एंड आउट, सो आर स्किन कैन ब्रीद एंड द स्वेट ड्राइज इजिली। नेचुरल क्लोथ्स क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं पहनने में, और इनके जो स्पेस होते हैं, छोटे छोटे स्पेस होते हैं ना जो, वो हवा पास करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हवा पास होती है उनमें से, और उसमें स्किन क्या है, सांस ले लेती है और पसीना अच्छे से सूख भी जाता है। दूसरे जो होते हैं वो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फैब्रिक्स। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। दे डू नॉट अकर इन नेचर। नाइलॉन, रेयन, लाइक्रा एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये एग्जाम्पल्स होते हैं, ये चीजें क्या होती है, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ठीक है, दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम क्रूड और केमिकल्स, क्रूड ऑयल एंड केमिकल्स, मतलब क्रूड ऑयल्स के द्वारा और केमिकल्स के द्वारा बने हुए होते हैं। दीज आर स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड ड्राई वेरी क्विकली। दे आर नॉन पोरस, दैट इज वाटर एंड अदर फ्लूइड्स मे नॉट पास इजिली थ्रू देम। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एज दे आर वाटर प्रूफ एंड दे कैच फायर इजिली। तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रेचेबल होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, रिंकल यानी सिकुड़ते नहीं हैं, ये जल्दी सूख भी जाते हैं, ये नॉन पोरस होते हैं, पानी नहीं जा सकता इनके अंदर और इनमें हवा भी नहीं जा सकती है जल्दी से, ये पसीना नहीं पहुंच पाते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको इधर एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, नाइलॉन क्लोथ्स, रेयन क्लोथ्स, लाइक्रा क्लोथ्स और पॉलिस्टर क्लोथ्स। तो ये आपको दोनों समझ में आ गए, नेचुरल क्लोथ्स, सॉरी नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, इनसे ही आपके क्लोथ्स बनते हैं। अब है आपका द क्लोथ्स वी वेयर, क्लोथ्स वी वेयर इन हॉट वेदर, वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स सूट द हॉट वेदर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल। इन कोल्ड वेदर वी वेयर वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स कीप आर बॉडी वार्म। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। अब जैसे गर्मी होती है तो गर्मी के अंदर हम लाइट कलर के कपड़े पहना करते हैं, है ना, तो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो आंखों में चुभते नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि गर्मी रिफ्लेक्ट कर जाती है और हमारी बॉडी जो होती है वो ठंडी रहती है। अब सर्दी के अंदर क्या होता है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वो क्या करते हैं, सर्दियों में हमें बचाते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा क्या था हमारा, कि जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग रीजन्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, कितने तरह के वो है, सीजन्स चलते हैं, क्लाइमेट चलते हैं अलग अलग, तो इस वजह से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लोग वस्त्रों का कहते हैं ना सिलेक्शन करते हैं, क्लोथ्स को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। तो इस हिसाब से आपका जैसे एग्जांपल है, जैसे श्रीनगर विल बी द डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ पर्सन लिविंग इन चेन्नई, पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर
डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेदर इन द रीजन वेयर दे लिव. तो श्रीनगर में अलग तरह के कपड़े चलते हैं, चेन्नई में अलग चलते हैं, इधर से आपके अलग अलग है. अब जैसे जम्मू कश्मीर का हो गया, जम्मू कश्मीर में अलग तरह के हैं. जैसे पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वेयर अ थिक लॉन्ग ड्रेस कॉल्ड फिरान, है ना, तो वो चलता है. और अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग जैसे लहंगा चुन्नी मतलब घाघरा लुगड़ी हो गई, राजपूती ड्रेस है आपकी, सलवार सूट हो गया, साड़ीज हो गई. तो ये अलग अलग जो आपके क्लाइमेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग ही आपका चलता है. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला कंसिस्ट ऑफ मुंडू एंड नेरियाथू. सम ऑफ दीज ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस. द नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमन इज द साड़ी एंड दैट ऑफ अ जैपनीज वुमन इज द किमोना. इंडियन वेयर सलवार कमीज लहंगा चोली एंड मॉडर्न ड्रेसेस लाइक शर्ट एंड जीन्स. तो ये पूरे जो इंडिया का जो अपना नेशनल ड्रेस है वो तो है आपकी साड़ी वुमन के लिए यानी औरतों के लिए, और आपका जैपनीज जो वुमन होती है उनकी है किमोना. ठीक है, ड्रेस का नाम किमोना है. और अगर इंडियन वेयर में अगर आप देखें तो आपकी सलवार कमीज लहंगा चोली है, और मॉडर्न ड्रेस में आप देखें तो मॉडर्न ड्रेस में शर्ट और आपकी जीन्स है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लोथ्स एंड प्रोफेशन. क्लोथ्स यानी कि वस्त्र, और आपका जो प्रोफेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या पहनते हैं वो चीज बताई गई है. पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स और प्रोफेशन. अ डॉक्टर एंड नर्स वेयर व्हाइट क्लोथ्स. पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स और प्रोफेशन. अ डॉक्टर एंड नर्स वेयर व्हाइट कोट. अ सोल्जर वेयर यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटीरियल सो दैट इट डज नॉट टेयर इजीली. स्कूल चिल्ड्रन वेयर अ यूनिफॉर्म सो दैट दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल. अ वेटर वेयर्स अ यूनिफॉर्म सो दैट ही लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द गेस्ट्स. पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वेयर ओवरऑल ओवर देयर क्लोथ्स टू प्रिवेंट देयर क्लोथ्स फ्रॉम बींग डर्टी. जैसा कि प्रोफेशन होता है, सबके प्रोफेशन अलग अलग होते हैं. जैसे आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, फादर है मदर है वो जॉब करते हैं, तो जॉब में कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई नर्स है, कोई अलग अलग है प्रोफेशन सबके. ठीक है, तो जैसे डॉक्टर की ड्रेस होती है ये आपकी यूनिफॉर्म देख सकते हैं, तो यूनिफॉर्म सबकी कॉमन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनली आपकी एक यूनिफॉर्म हो गई है. ठीक है, स्कूल में आप पहन करके आते हैं आपकी स्कूल यूनिफॉर्म, तो वो भी आपके क्लोथ्स और प्रोफेशन हो गया एक तरह से. उसके अलावा सोल्जर है, सोल्जर का भी यूनिफॉर्म होती है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि सबके अलग अलग यूनिफॉर्म होती है जिससे कि वो अलग से पहचाने जाते हैं. सॉक्स एंड शूज. वी वेयर सॉक्स एंड शूज टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट हीट कोल्ड जर्म्स एंड वॉर्म्स. वॉकिंग बेयरफुट कैन कॉज कट्स. डर्ट जर्म्स एंड वॉर्म्स मे गेट इन टू द कट एंड कॉज एन इन्फेक्शन. वी शुड नॉट वेयर वेट और डर्टी सॉक्स और टाइट शूज. सॉक्स और शूज क्यों पहनते हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें कि हम सॉक्स और शूज पहनते हैं क्यों, ताकि हम हमारे फीट को, हमारे जो पैर हैं उनको किससे बचा सके, मिट्टी से, गर्मी से, सर्दी से, कीटाणुओं से और कीड़े मकोड़ों से. अगर आप नंगे पैर जाएंगे यानी कि चप्पल वगैरह कुछ भी पहन के नहीं जाएंगे तो हमारे क्या होंगे, पैर कट जाएंगे. आप करके देख लीजिए, दो दिन आप कुछ भी मत पहनिए पैरों में और यूं ही घूमिए सड़कों के ऊपर, तो आपके पूरे पैर कट जाएंगे, है ना. तो अब जैसे डर्ट जो मिट्टी होती है और गंदगी होती है, गर्मी होती है, तो हमारे पैर क्या कर देते हैं, काट देते हैं और इन्फेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इस वजह से हम सॉक्स और शूज पहनते हैं, और हमें गंदे शूज और गंदे सॉक्स और टाइट शूज नहीं पहनने चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका केयर ऑफ क्लोथ्स. हमें क्लोथ्स की केयर कैसे करनी चाहिए. वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट नीट एंड टाइडी. सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आर क्लोथ्स टू कीप देम इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा साफ सुथरे और प्रेस किए हुए, अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए जिससे हम स्मार्ट लगे, साफ सुथरे लगे और अच्छे लगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमारे कपड़ों की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए और ताकि वो अच्छे तरीके से लंबे समय तक वो सेफ रह सके. तो क्लोथ्स क्या करना है, ये पढ़ेंगे किस तरह हम इसको रख सकते हैं. क्लोथ्स शुड बी वॉश प्रॉपरली विद अ गुड क्वालिटी डिटर्जेंट ऑफ और सोप. कॉटन क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर एंड बी स्क्वीज्ड, स्ट्रेच्ड एंड ड्राइड प्रॉपरली. कलर्ड क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन शेड एंड व्हाइट क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द सन. वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स आर वेरी डेलिकेट, दे शुड आइदर बी ड्राई क्लीन्ड और वॉश्ड विद अ माइल्ड डिटर्जेंट. कॉटन क्लोथ्स शुड बी आयरन्ड बिफोर वेयरिंग. अ टेयर इन अ क्लोथ्स शुड बी मेंडेड इन टाइम.
रिमेंबर अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. अ पेशेंट्स क्लोथ्स मस्ट ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. तो ये क्या है, सबसे पहले हमें वॉश करने चाहिए कपड़े, किससे, अच्छे डिटर्जेंट और सोप से वॉश करने चाहिए. उसके बाद में उन्हें अच्छे से धोना चाहिए, रगड़ रगड़ के अच्छे से पानी से उन्हें क्या करना चाहिए, झकोलना चाहिए, स्क्वीज करना चाहिए, उसके बाद निचोड़ना चाहिए और अच्छे से सुखा के उन्हें, मतलब निचोड़ के उन्हें सुखाना चाहिए. उसके अलावा कलर जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें तो छाया में सुखाना चाहिए, और सफेद जो क्लोथ्स होते हैं, व्हाइट क्लोथ्स जो होते हैं, उन्हें सन में सुखाना चाहिए ताकि वो फेड नहीं हो. उसके अलावा जो ऊनी कपड़े होते हैं और जो सिल्की कपड़े होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, जो नाजुक और नरम कपड़े होते हैं उन्हें हमेशा ड्राई क्लीन करेंगे, और या फिर माइल्ड डिटर्जेंट जो होते हैं जैसे कि ईजी है या फिर आपका जेंटल होता है, उससे उन्हें आपको वॉश करना है, ठीक है. उसके अलावा जो क्लोथ्स होते हैं वो हमेशा पहनने से पहले आयरन होने चाहिए, और जो फटे टूटे कपड़े हैं आपके उन्हें क्या करना है, टाइम टू टाइम उन्हें मेंड करना है, यानी कि उन्हें सिल लेना चाहिए ताकि वो आगे हमारा टाइम बचाएं, ठीक है. और उसके अलावा हमें जब भी मान लीजिए कोई पेशेंट है आपके घर में, आप हैं या कहीं पर भी पेशेंट को आप देखते हैं, तो हमेशा उनके जो कपड़े होते हैं वो डिसइंफेक्टेड करके ही पहनने चाहिए. जैसे कि आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो आपका डिटॉल होता है उसे थोड़ा सा पानी में डाल के उससे भी वॉश करने चाहिए कपड़ों को. तो इधर आप स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स, आप स्टोर कहाँ करने चाहिए क्लोथ्स को. क्लोथ्स नीड गुड केयर, स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, बिकॉज सर्टन इंसेक्ट्स फीड ऑन सिल्क एंड वुल. बिफोर स्टारिंग एंड पैकिंग क्लोथ्स शुड बी पुट आउट इन द सन टू रिड देम ऑफ जर्म्स. कीप नेप्थलीन बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ वुलन क्लोथ्स. दीज कीप इंसेक्ट्स एंड रैट्स अवे. प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर. तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनकी केयर कैसे करेंगे, जैसे सिल्क और वुलन क्लोथ्स जो होते हैं उनकी केयर हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए. क्यों, क्योंकि उनमें क्या कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. आप जब भी सिल्क के मतलब ये क्लोथ्स को आप पैक करते हैं तब हमें हमेशा वो जर्म फ्री ही होने चाहिए, वो ध्यान रहे हैं आप. तो उसके लिए उसको आप पहले क्या करना है, आपको सूरज की रोशनी में रखने के बाद में उन्हें पैक करना है, और पैक करने के टाइम पर नेप्थलीन जो बॉल्स आती हैं आपकी, फिनाइल की जो बॉल्स होती है वो, या फिर सूखी नीम की पत्तियां कहाँ डालनी है आपको, कपड़ों के बीच में डाल देनी चाहिए, या फिर फोल्ड करते हैं ना कपड़े जब आप, तो उस टाइम बीच में डाल दें ताकि वो क्या है कि इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों से और चूहों से दूर रहें, वो मतलब चूहे और कीड़े मकोड़े उनसे कपड़ों से दूर रहें. तो ये अगर आप करेंगे तो इससे आपके जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे चलेंगे, ठीक है. तो चलिए पॉइंट्स ऑफ रिव्यू हैं आपके. We choose different kinds of clothes to suit our needs. Natural fibers are obtained from either plants or animals. हम कपड़े किस हमारी जरूरत के हिसाब से चूज करते हैं. नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. नेचुरल क्लोथ्स आर हील देयर टू वेयर. सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स. नेचुरल क्लोथ्स हमें हील करते हैं, है ना. और उसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, मैनमेड फाइबर होते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म. द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन इज अ साड़ी. वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स. वुलन जो आपके क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं. और जो नेशनल जो यूनिफॉर्म है मतलब ड्रेस है वुमेन की, औरत की, वो क्या है, साड़ी. आपकी मम्मा घर पे क्या पहनती है, साड़ी पहनती है ना. दादी, मम्मा, नानी, मौसी, मामा, सॉरी चाची, ताई जी, और ये सब क्या पहनती हैं आपकी, साड़ी पहनती है ना. तो हमें क्या पहनने चाहिए, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. तो चलिए ये आज आपका चैप्टर फिनिश होता है. आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे. सो बी सेफ फ्रॉम कोरोना एंड टेक केयर. बाय बाय एवरीवन.